अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग ऑफ मदीना मुनवरा। तो आज के व्लॉग में हम इंशाल्लाह शॉपिंग कवर करेंगे। और मदीना मुनवरा में सबसे पहले हम गए थे यहाँ पे, जो तैयबा माल है आपको नज़र आ रहा है हरम शरीफ के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। सो सबसे पहले यहाँ जाएंगे, उसके बाद बिन दाऊद को एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपको 40 रियाल के लिए लॉट ऑफ चॉकलेट्स हियर। चॉकलेट्स की क्या प्राइस है? 1 किलो हाउ मच रियाल? 50 रियाल। सबके डिफरेंट रेट्स हैं। ये वाली इनके क्या रेट्स हैं? 40 रियाल। तो यहाँ से हमने परफ्यूम्स ले लिए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम रिशा के लिए जानेमाज कस्टमाइज़ कराने लगे हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे यहाँ पे नेम लिखेंगे जानेमाज के ऊपर। ये कलर मैंने खुद चूज़ किया है क्योंकि ये कलर मेरा अपना फेवरेट है। What is the name of this instrument? Orisha. No, what is this? This? Yes. ये जला देता हूँ। जला देता है? अच्छा, जला के नेम कस्टमाइज कर रहे हैं आप इधर, मतलब एक तरह की यहाँ पे कार्विंग हो रही है जैसे वुड की होती है। ओके, थैंक यू। पाकिस्तानी रुपीस चेंज करवाने लगे हैं रियाल में, लेकिन हमें नहीं पता कि हम किधर से चेंज कराएं। तो देखते हैं मम्मी कैसे कन्वर्सेशन करती है इनके साथ। रियाल किधर से चेंज होगा? इस लालू का पता नहीं क्या अरेबिक विकिस को कहते हैं, लेकिन हम ऐसे सबसे पूछते आ रहे हैं। यहीं से चेंज होगा, लेकिन ये बंद हुआ है फिलहाल, क्लोज है, तो बाद में हम चेंज कराएंगे। बाकी यहाँ पे आपको ये बिंदाऊ नज़र आ रहा है, तैयबा मॉल है ये, बिल्कुल मदीना की बैक साइड पे। जी, नमाज का टाइम हो गया। अच्छा, तो अभी नमाज का टाइम हो गया, इस वजह से सारी शॉप्स क्लोज हो रही हैं। तो हम वापस जा रहे हैं मस्जिद नबी में, उसके बाद हम लोग नमाज असर की नमाज़ पढ़ के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3:15 बजे असर की नमाज़ हो जाती है। पाकिस्तान में टाइमिंग चेंज है, लेकिन यहाँ पर 3:15 बजे असर की हो जाती है। तो फिर हम लोग नमाज़ पढ़ के वापस इधर ही आएंगे और फिर पाकिस्तानी रुपीस चेंज कराएंगे रियाल में, फिर जाएंगे हम जहाँ भी जाना हो। अच्छा, तो मेरा सेल फोन आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है वीडियो में, लेकिन जस्ट बियर विद मी, क्योंकि मैं साथ साथ चल भी रही हूँ। और यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि मैं अलग से एक जगह खड़े होकर वीडियो बना सकूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की स्पीड बहुत तेज़ है। उनको मैं जितना बोलूँ ना कि आराम से चलें, वो उतना ही तेज़ चलती हैं। तो मुझे साथ साथ चलना पड़ता है, और मेरे चलने की वजह से वीडियो जो होती है वो हिल रही होती है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो ना हिले, लेकिन आप बस बर्दाश्त करें। और ये देखिए माशाल्लाह से मस्जिद नबी की रौनक। तो अभी है जी असर का टाइम होने लगे,
और यहाँ पे सब नमाजी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई मस्जिद नबी के अंदर जा के नमाज़ पढ़ रहा है, कोई इधर बाहर बैठ के, अब जैसे हम लोग यहाँ बाहर, और इतने माशाल्लाह से सॉफ्ट सॉफ्ट कारपेट हैं इनके ऊपर नमाज़ पढ़ी जाती है बाजमात, तो कोई अंदर जा के पढ़ता है, कोई बाहर आके, और ये यहाँ पे एयर कूलर से मस्जिद नबी की, और इनसे इतनी कोई ठंडी ठंडी हवा आती है माशाल्लाह से। तो मदीने की रौनक ही वाकई, किसी ने बोला था मदीने की रौनक बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, और सही बोला था उसने, और माशाल्लाह से बहुत सुकून मिलता है इधर। ये रास्ता जो है ये जा रहा है बाहर की तरफ मॉल, जो अभी हम लोग गए ना तैयबा मॉल बिन दाऊद, ये वहाँ जा रहे हैं। अभी हम तैयबा मॉल में गए हैं और नमाज़ पढ़ के फिर हम बिन दाऊद में जाएंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी ये सारे नमाजी वहीं से आ रहे हैं, तो क्योंकि असर का टाइम होने लगा है। तो नमाज से फ्री होके हम मैं और अम्मी दोबारा आ गए थे मॉल की तरफ, क्योंकि जो हमारा आज के दिन का प्लान था कि ये शॉपिंग सारी कंप्लीट करनी है और जो रह जाएंगी वो फिर मक्का से ले लेंगे चीज़ें वगैरह, तो वो सब अभी पेंडिंग थी। तो अभी हमने सोचा कि बिन दाऊद चले जाते हैं तैयबा मॉल से, तो जो ले लिया सो ले लिया। अच्छा, अभी हम लोग आ गए हैं बिन दाऊद में, जो कि तैयबा मॉल के बिल्कुल सामने ही बिल्डिंग है बिन दाऊद की, तो यहाँ पे भी डिफरेंट शॉप्स हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कौन कौन सी शॉप्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं बिन दाऊद के। लुक एट दीस क्यूटीज। ओके, सो बिन दाऊद को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। यहाँ पे डिफरेंट टॉयज हैं एंड डेकोरेशन पीसेस, क्रॉकरी, यहाँ पे डिफरेंट क्रॉकरी है, डेकोरेशन पीसेस हैं बिन दाऊद पे। एंड अच्छा, जो ग्राउंड फ्लोर है ना बेसिक, यहाँ पे क्रॉकरी और डेकोरेशन पीसेस ही हैं। आपको शो हो रहा होगा कल्ट्री लिखा हुआ है, सॉरी कटलरी, कटलरी कहते हैं जो किचन आइटम्स होते हैं ना उनको। और हमें यहाँ से चाहिए थे कुछ कप्स, क्योंकि होटल में हम लोग जब चाय पीते हैं ना तो वो कम थे कप हमारे पास, हम तीन मेंबर्स हैं लेकिन हम लेके दो आए थे, तो यहाँ से फिर कप वगैरह देखते हैं। ये भी हैं कुछ और यहाँ भी हैं। ये इनका कल इंटरनेशनल डे था, तो इन्होंने यहाँ पे बलून्स लगाए हुए थे, बिकॉज इनका भी फ्लैग ग्रीन और वाइट कलर का है, और इन्होंने सेलिब्रेशन की हुई थी कल मॉल के अंदर। और यहाँ पे काउंटर पे हमें बिल पे करवा रही हैं। बैग्स की हर शॉप पे अपने अपने रेट्स हैं। अभी हमने शॉर्मा का ऑर्डर दिया हुआ है, क्योंकि विंडो शॉपिंग करते करते हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो इस लाइन में सारे रेस्टोरेंट्स थे। वो यहाँ पे एक कड़क चाय के नेम से है, देन एक फ्राइड राइस बूफे है, देन यहाँ पे है जी डाइफ टिबेट बूफे, और यहाँ पे भी 5-6 हैं रेस्टोरेंट्स, तो इधर से हम शॉर्मा बनवा रहे हैं।
और ये शॉर्मा वैसे बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग वाइंड अप कर रही हूँ, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत कवर करूँगी, तो मेरे साथ रहिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए।